तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों बात करेंगे तातिया ग्लोबल बंचेस की। दोस्तों ये जो स्टॉक है अब ESM के चक्रव्यूह में फंस चुका है और आप देख सकते हो इस स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है ऑन द अकाउंट ऑफ द ESM। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कुछ माइक्रो कैप्स कंपनी जिनका जो मार्केट कैप है 500 करोड़ से कम है उनको जो है वो अब सेबी ने चेक करना शुरू कर दिया है और एक एनहांस्ड सर्विलेंस मेजर सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके कारण यदि स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी है तो वो वाले जो स्टॉक्स हैं वो ESM लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। तो ये स्टॉक भी अब ESM लिस्ट में 2 में आ चुका है और इसका 2% का प्राइस बैंड रहेगा। मंडे को इसकी ट्रेडिंग होगी तो इसलिए इस स्टॉक पे थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म में आपको अलर्ट रहना है और इस पे चेक रखना है। मंडे को ही ट्रेडिंग होगी और मंडे को इस पे 2% का प्राइस बैंड लगेगा, 2% की सर्किट लिमिट लगेगी। ये जो कंपनी है डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है और हमने इस पे पहले फंडामेंटल्स बना के आपको बताया था कि कंपनी के प्रॉफिट में ओवरऑल ग्रोथ है। यदि हम दिसंबर के साथ मार्च क्वार्टर की नंबर कंपेयर करें तो रेवेन्यू देख लो स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है 0.15 से बढ़ के 1.01 हो चुका है। नियरली आप देख सकते हो कि 7 times इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। आप कह सकते हो कि इसके जो नेट प्रॉफिट है वहां पे 600% का उछाल देखने को मिला है और आप कह सकते हो कि 6 times और 7 times ज्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 6 to 7 times ग्रोथ हुई है। तो एक अच्छा ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल्स डिसेंट है। तो एक बार वैल्यूएशन का डाटा भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि पहले भी इस स्टॉक को हम कवर कर चुके हैं। इसके फंडामेंटल्स शो करके हमने आपको बताया था कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी दिक्कतें रह सकती है क्योंकि पैनी स्टॉक है, कई बार ऑपरेटर्स के कंट्रोल में भी आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें रह सकती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा अलर्ट रहना है। यदि इस स्टॉक की प्राइस की इनसाइट चेक करें तो आप देख सकते हो ऑल द डेब्ट्स हैज बीन पेड ऑफ, द कंपनी हैज बिकम द डेब्ट फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट 5 years। तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी बन चुकी है और इसका जो एनुअल 3 year CAGR ग्रोथ है दैट इज आल्सो गुड। तो यहाँ पे देख सकते हो एनुअल लेवल पे इसकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है 323% रही है, जबकि 3 years की जो CAGR है वो 63% है। मतलब फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के इंटेक्ट हैं और बहुत ही डिसेंट है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक भी है क्योंकि इसने अपने निवेशकों को भी मालामाल कर दिया है। तो 3 years में 503% के रिटर्न्स हैं, जबकि 5 years में देखो 417% के रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों हम आपको यही कहेंगे, इस स्टॉक को आप डिप में बाई करते रहो, सिप के थ्रू अकमुलेट करते रहो क्योंकि वैल्यूएशन भी डिसेंट है। प्राइस टू अर्निंग रेशो देखो इसकी 6 के अराउंड चल रही है और इसकी प्राइस टू बुक रेशो भी कोई ज्यादा नहीं है, 1 के अराउंड ही है। मतलब आजकल ये जो स्टॉक है बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशंस पे मिल रहा है और फंडामेंटल्स भी डिसेंट है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के बिजनेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है दोस्तों, ये जो पैनी स्टॉक्स होते हैं कई बार ऑपरेटर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, कई बार इनमें अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं, कई बार लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। तो जो नए निवेशक हैं वो कई बार इन तरह के स्टॉक में फंस जाते हैं। तो इसलिए सेबी ने एक सिस्टम शुरू किया है जिसके कारण ये स्टॉक भी आप जो है वो इस सर्विलेंस सिस्टम में रहेगा, क्योंकि पहले भी इस स्टॉक में कंसोलिडेशन ही चल रही थी। तो इसने एक ब्रेकआउट जरूर दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्टॉक में आजकल रेंज बाउंड काम होता दिखाई दे रहा था और आजकल ये जो स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब आपको जो है कंटिन्यूसली इसकी स्टॉक की जो प्राइस है वहां पर फोकस रखने की जरूरत है। यदि ये जो स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर एक बड़ा धमाका भी इस स्टॉक में हो सकता है। लेकिन जब तक ESM, दोस्तों ESM में क्या होगा, अब कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक ESM लिस्ट 2 में रहेगा, पहले ESM 2 में रहेगा, 2% का बैंड लगेगा, मंडे को इसकी जो है वो ट्रेडिंग होगी और यदि ये स्टॉक 1 month में 8% से ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं शो कर रहा है तो इस स्टॉक में फिर आपको जो है ESM लिस्ट 1 में डाल दिया जाएगा और फिर ESM लिस्ट को जो है वो 3 month के बाद रिव्यू किया जाएगा और यदि फिर वॉलेटिलिटी कम होगी तो इस स्टॉक को फिर ESM लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जो कोई स्टॉक ESM में आ गया तो उसमें ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद इस स्टॉक को जो है ESM से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न लेके इस स्टॉक में निवेश करें, शॉर्ट टर्म में अभी दिक्कतें रह सकती हैं। शॉर्ट टर्म में ये जो स्टॉक है ऊपर नीचे होता रहेगा, पहले भी हमने आपको बताया है, इसको सिप के थ्रू अकुमुलेट करो
और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को कम्युलेट करो तो आपको जो है यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेज है। शॉर्ट टर्म में अभी दिक्कतें रह सकती हैं, यही हमारा मानना है। दोस्तों इसका यदि शेयर होल्डिंग देखो तो आप देख सकते हो रिटेलर के पास 58.69% का स्टेक है, ज्यादा स्टेक रिटेलर के है, और जो प्रमोटर है उनके पास 41.23% का स्टेक है। एक बड़ा जो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है, दिसंबर में देखो प्रमोटर का स्टेक 38.01% था, लेकिन मार्च 23 में आप देख सकते हो उनका स्टेक नियरली 3% बढ़ गया है। मतलब प्रमोटर अब इस कंपनी में निवेश करते दिखाई दे रहे हैं, इसको अकमुलेट करते दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। क्योंकि जब प्रमोटर माल उठाते हैं, जा तो प्रमोटर्स, जा FIIs और जा DIIs, यदि ये जो तीनों किसी स्टॉक में माल उठा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी में अच्छा ट्रेंड आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पैटर्न अब इस स्टॉक में आप लेके चलें। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इसे आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों इसकी जो स्टॉक की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी दैट वॉज 1.81 ऑन 5th जुलाई, तो 4.62% का इसमें अपर सर्किट लगा था। तो अब नेक्स्ट वीक मंडे को, दैट इज 12 जो भी बनता है मंडे, उस दिन जो 10th मेरे ख्याल से बनता है इसका, 10th जुलाई को जैसे ही मार्केट खुलेगी तो देखेंगे क्या ट्रेंड बन रहा है। थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ अगेन।